जी, तो मैं बात कर रहा था कि जैंगो जो होता है वो हमारा एमवीटी को सपोर्ट करता है। देखो, एमवीटी का मतलब उस दिन हमने बात करा था, मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। देखो, जब कभी भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है भाई। हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेटा के अलावा हमारा जो लेआउट होता है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लेआउट है, लुक एंड फील जो है वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, डेटा भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारी बिजनेस लॉजिक होती है, जो हम लोग फंक्शंस वगैरह बनाते हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही लॉजिक है इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी बिजनेस लॉजिक होती है, जो हम लोग पुट करते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तीनों चीज़ हमारे लिए पैरेलली इंपॉर्टेंट होता है। मान लो यदि डेटा नहीं है तो फिर काम क्या करोगे, है ना? यदि मान लो हमारे पास लेआउट नहीं है तो प्रोजेक्ट का लुक एंड फील कैसे आएगा, और यदि बिजनेस लॉजिक नहीं है तो डेटा फिल्टर कैसे होगा। तो हमारे लिए डेटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लेआउट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बिजनेस लॉजिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैंगो के अंदर डेटा को हम डालते हैं मॉडल्स के अंदर, भाई हम क्लास बनाते हैं, जो कुछ भी होता है हमारा, जो हमारा लेआउट जाता है वो जाता है टेम्पलेट के अंदर, और जो हमारी बिजनेस लॉजिक वगैरह होती है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कब क्या करना है, वो सारा चीज़ हमारा कहाँ जाता है, व्यू के अंदर। तो हमारे लिए डेटा भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए लेआउट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब टेम्पलेट भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो बिजनेस लॉजिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बिजनेस लॉजिक है वो व्यू में जाती है ना। अभी मैं यहाँ पर बात करूँ जैंगो के अंदर, तो जैंगो के अंदर प्रोसेस फ्लो क्या होता है भाई। यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जैंगो के पास जाती है, और जैंगो उस रिक्वेस्ट को सर्व करने की कोशिश करता है, जो हमारा सर्वर रन कर रहा होता है ना। जैंगो सर्वर रन कर रहा होता है, तो जैंगो अपने रिक्वेस्ट को कहाँ लेके डालता है, यूआरएल में डालता है। आपने जो कुछ भी करा वो प्रोजेक्ट के यूआरएल में जाता है ना। अब उस यूआरएल से वो मैपिंग करता है कि भाई कौन से यूआरएल को इंक्लूड करना है, क्या करना है। एंड फाइनली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जाती कहाँ पे है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो व्यू पे जाती है, और यदि व्यू को जरूरत होता है तो वो मॉडल को कॉल करता है। मॉडल जो है हमारा डेटा से डेटा उठा के लाता है, ठीक है। व्यू को यदि जरूरत होती है, यदि व्यू को जरूरत होती है तो मॉडल की जगह वो डायरेक्ट टेम्पलेट को कॉल करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा डेटा आ जाए मॉडल के थ्रू और फिर व्यू जो है टेम्पलेट्स को इंटरेक्ट करें। तो अल्टीमेटली जो हमारा सारा काम जो है यहाँ पे दो तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है सारा काम। हम जब भी यहाँ पे किसी भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा पूरा जो फंक्शनलिटी है वो बेस्ड है यूआरएल के ऊपर। हमारी रिक्वेस्ट यूआरएल पे जाती है, यूआरएल जो है व्यू को कॉल करता है, जो हमारा व्यूज़ होता है, व्यूज़ यदि मान लीजिए हमारे पास मॉडल है, मॉडल में हम डेटा उठा रहे हैं, तो जो हमारा व्यूज़ है ये मॉडल से डेटा उठा के लाता है, और फाइनली वो यदि हमें टेम्पलेट पे डिस्प्ले करवाना है तो टेम्पलेट पे जाएगा। हो सकता है कि भाई उसे मॉडल और डेटा की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट उसे टेम्पलेट ही कॉल करना हो, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, तो वो अपना टेम्पलेट से डेटा को उठा के डालता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारा पूरा का पूरा जैंगो का प्रोजेक्ट है वो यूआरएल एंड व्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। तो व्यू हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ पर वो हमारे लिए काम करता है। मतलब आप ये समझ लो, व्यू के अंदर हमारी पूरी की पूरी लॉजिक है जिसके ऊपर वो काम करता है। डेटा चाहिए तो यहाँ जाओ, डेटा नहीं चाहिए तो ठीक है भाई टेम्पलेट से अपना डिस्प्ले करवा दो। हाँ जी अमन जी, आ जाए। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब जो जैंगो के अंदर हमारे पास ये पूरा जैंगो एमबीटी पैटर्न पे बेस करता है। और यदि आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है, अच्छा ये बता दो कि जैंगो का प्रोसेस फ्लो क्या है, जैंगो किस तरीके से काम करता है, तो योर आंसर विल बी व्हेन वी स्टार्ट द सर्वर और वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द सम पर्टिकुलर पेज, एट फर्स्ट आवर रिक्वेस्ट विल गोज टू द यूआरएल, जो हमारी एप्स की यूआरएल होती है, सॉरी जो हमारी प्रोजेक्ट की यूआरएल होती है। प्रोजेक्ट की यूआरएल के बाद वो हो सकता है कि एप्स के यूआरएल पे जाए, और वो यदि मल्टीपल एप्स है, तो यदि मान लीजिए मल्टीपल एप्स नहीं है तो डायरेक्ट हम इस यूआरएल के अंदर भी व्यू को कॉल करवा सकते हैं। तो अब वो एप्स के यूआरएल पे जाएगा, वहां से वो व्यू के पास जाएगा, व्यू से वो टेम्पलेट पे जाएगा यदि जरूरत होगी तो, और यदि हमें डेटा लाना है तो व्यू से वो मॉडल पे जाएगा, वहां से डेटा को लाएगा। तो ये हमारा जैंगो का एक नॉर्मल प्रोसेस फ्लो है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आज एक प्रोजेक्ट को लेकर काम करना है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अभी जिस प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग काम करेंगे उस प्रोजेक्ट पे हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हमें मॉडल में भी जाना होगा, हमें डेटा में भी लाना होगा, हमें टेम्पलेट्स को लेके भी काम करना होगा, तो ये सारे काम हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे इस प्रोजेक्ट को लेके। ठीक, तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में क्या है कि यहाँ पे देखो, कभी भी हम लोग ये नहीं होता कि फ्रॉम स्क्रैच हम सब कुछ बनाते हैं। देखो 90%
ऐसा चीज़ होता है जो हमारे पास कुछ ना कुछ टैंपलेट होता है, कहीं ना कहीं से हम टैंपलेट्स को डाउनलोड करते हैं और उन टैंपलेट को डाउनलोड करने के बाद हम उसे डायनामिक बनाने की कोशिश करते हैं। टैंपलेट हम तमाम जगहों से उठा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट्स को के टैंपलेट्स को यदि तुम्हें उठाना हो तो तुम यहाँ पर अटेम्प्ट ले सकते हो। बहुत अच्छा टैंपलेट है w3layout.com के अंदर। यहाँ पर एक वेबसाइट होती है w3layouts। हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को स्क्रैच से नहीं बनाते हैं, शुरू से नहीं बनाते, ये नहीं कि हम हर एक काम करना शुरू कर देंगे। यदि शुरू से आप बनाना शुरू करोगे तो विल टेक टाइम, और कोई भी कंपनी या कोई भी लोग, कोई भी मैनेजर आपको इतना टाइम नहीं देता है कि आप शुरू से सारा कुछ बनाओगे, आप जावास्क्रिप्ट लगाओगे, आप मेनूज बनाओगे, इतना टाइम नहीं देता है। तो तरीका ये होता है कि कहीं ना कहीं से हम लोग टैंपलेट डाउनलोड कर लेते हैं और उस टैंपलेट में फिर अपने हिसाब से चेंज करना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली उसको डायनामिक बना के परोस देते हैं, जो परोसना होता है सामने वाले के लिए। ठीक, तो यहाँ पर W3Layout के ऊपर भी बहुत सारे वेबसाइट टैंपलेट्स हैं और ये बड़ी अच्छी टैंपलेट्स हैं। हालांकि मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं इसलिए इसको प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है इसका, इसमें इमेजेस बड़े बड़े होते हैं, साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन तब भी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बुराई नहीं है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा इसके अंदर, ये देखो इतने सारे टैंपलेट्स हैं, आप जिस कम्युनिटी का वेबसाइट बनाना चाहते हो, यदि मान लो मुझे रियल एस्टेट का वेबसाइट बनाना है, मुझे ट्रेवल एजेंसी का वेबसाइट बनाना है, मुझे वेब होस्टिंग के लिए करना है, तो आप जिस तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक करो और उसके बहुत सारे टैंपलेट्स यहाँ पर निकल के सामने आ जाएंगे। ये देखो इतने सारे टैंपलेट यहाँ पर निकल के सामने आ जाएंगे और ये जो टैंपलेट हैं, इन टैंपलेट्स को आप डाउनलोड कर लो। ये स्टार्टर टैंपलेट बोल रहा है कि फ्री में मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे टैंपलेट, इसमें तो खैर लाइब्रेरी आ गया, ये पेड आ गया, बहुत सारे टैंपलेट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। यदि आप इसका व्यू डेमो देखोगे तो अच्छा लगता है लुक एंड फील, लेकिन कई बार क्लाइंट ऑब्जेक्शन करता है चूंकि इमेजेस इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये देखो अब इतना बड़ा इमेज है, अब इनको जब मैं पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ तब जाके ये हमारे नीचे देखना शुरू होता है ना, तो कई बार चीज़ें ना ज़्यादा बड़ा बड़ा इमेज, अब इसमें आपको काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज करनी पड़ती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपको टैंपलेट सेलेक्ट करना हो तो, क्योंकि इसके भी टैंपलेट जो होते हैं सारे रिस्पॉन्सिव टैंपलेट होते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है w3layout.com। w3layout.com के अलावा एक यदि थोड़ा सा मतलब चाहते हो कि यार हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड टैंपलेट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैंपलेट है, यदि हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड टैंपलेट नहीं लेना, तो एक URL और मैं आपको बता देता हूँ। ये URL का नाम है डायनामिक ड्राइव, ये हमारा URL है OSWD, ओपन सोर्स वेब डिज़ाइन। ये ओपन सोर्स वेब डिज़ाइन भी एक यहाँ पे वेबसाइट है, आप इस पर भी आओगे तो यहाँ पे भी आपको टैंपलेट मिल जाते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि बड़े सिंपल से टैंपलेट्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो जो भी आप। ये देखो अब ये बड़े सिंपल सिंपल टैंपलेट्स होते हैं, ये देखो बड़ा सिंपल सा टैंपलेट बना रखा है, तो इन टैंपलेट्स को भी इसमें कुछ भी नहीं है, केवल HTML है और छोटे छोटे इमेजेज हैं, तो ये टैंपलेट्स भी अच्छे होते हैं। अरे मतलब ये देखो ये टैंपलेट भी हमारे अच्छे हैं, इन टैंपलेट्स के अंदर भी बहुत सारे हैं, इसमें भी कैटेगरी हैं कई सारी, ये सबसे पुराना है, जब कुछ नहीं था तब हम लोग इसी को यूज़ करते थे। ये देखो यहाँ पर ब्राउज ऑल डिज़ाइन, आज के डेट में तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आप मिल जाता है, लेकिन पहले ये काफ़ी अच्छा होता था। ये देखो इतने सारे यहाँ पर टैंपलेट हैं, इन टैंपलेट्स को आप डाउनलोड करके ये देखो ये देखो ये यहाँ पर टैंपलेट्स हैं, इन टैंपलेट्स को आप डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हो। ठीक, लेकिन एक अच्छी चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग के पास एक यहाँ पे URL है ट्रेविलो, यहाँ पे एक URL है ट्रेविलो, यह ट्रेविलो पे आप जाएं, ट्रेविलो कलर लिप, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे टैंपलेट्स हैं, ट्रेविलो कलर लिप। ठीक है, और इसका जो सबसे मुझे बेहतरीन टेम्पलेट लगता है वो यही लगता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रेवल से रिलेटेड पूरा URL का है। जैसे हमें ट्रेवल डेस्टिनेशन जाना है, कहीं जाना है, हमें सर्च करना है भाई मुझे जयपुर का ट्रिप चाहिए तो जयपुर का क्या पैकेज है, या मुझे मान लो लखनऊ जाना है लखनऊ का क्या पैकेज है, या मान लो चेन्नई जाना है, तो हमें यहाँ पर अलग अलग ट्रेवल डेस्टिनेशन मिल जाते हैं, सारा चीज़ मिल जाता है, तो ये टैंपलेट भी हमारे लिए काफ़ी बेहतर होता है। यदि मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ये टैंपलेट कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये देखो ये हमारा टैंपलेट है, यहाँ पे सारे चीज़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे कॉलर्स और ये सब, ये देखो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे लोकेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टैंपलेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये देखो ये हमारा यहाँ पे सारे काफ़ी टैंपलेट सारे अवेलेबल हैं,
यहाँ पे हमारे सारे टैंपलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, यदि मैं यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करूँ या मैं सर्विस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये जो टैंपलेट है, ये टैंपलेट भी काफ़ी पॉपुलर टैंपलेट्स है। तो मैं यहाँ पे ये जो ट्रेवलर वाला टैंपलेट है इसको, यदि तुम, ये मोबाइल फ्रेंडली भी है। हाँ जी सूरज जी, आइए बैठिए, चेयर ले लीजिए। चलो देखो, तो ये जो हमारा टैंपलेट्स है, ये देखो मोबाइल में इसकी लुक एंड फील कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा टैंपलेट्स है, ये ट्रैवल डोमेन से रिलेटेड वेबसाइट है। जैसे मान लो हमें किसी पर्टिकुलर, तो यहाँ पे ये सब कुछ है। यहाँ पे यदि आप यहाँ पे इसको खोलोगे टैब में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यदि आप यहाँ पे खोलोगे कंप्यूटर में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यदि मैं इसको मोबाइल में खोलूँ तो ये हमारा कुछ ऐसा, यहाँ पे ये रहा ना, ये मेनू ऑप्शन आ रहे हैं। मोबाइल में यही चीज़ होती है कि मेनू ऑप्शन कुछ इस तरह से आता है, मेनू ऑप्शन हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, यदि हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये भी टैंपलेट्स हमारे पास हैं, ये काफ़ी अच्छे टैंपलेट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो टैंपलेट्स है इसको हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। अब ये बोल रहा है कि रिमूव द बैक लिंक। देखो बैक लिंक बहुत सारे वेबसाइट में, जैसे W3 लेआउट में या कहीं भी, जो तुम फ्री टैंपलेट डाउनलोड करते हो ना, तो बैक लिंक को रिमूव करने के लिए बोलता है। तो रिमूव बैक लिंक का मतलब होता है वो पैसा उसका मांगता है, पैसा उसका देके आप उसका लाइसेंस लेके अपना यूज़ कर सकते हो। तो बैक लिंक अदरवाइज बोलता है यार तुम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है ना वो नीचे लिखा हुआ रहेगा कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय और जो भी डेवलप्ड बाय। तो हमें क्या जाता है, हम लोग उसको हाइड कर सकते हैं, यदि हमें थोड़ा बुद्धि लगा दें तो उसको हम हाइड कर लेंगे, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको हम हाइड कर सकते हैं, तो परचेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो हमारा ट्रैवलो का टैंपलेट्स है, इस टैंपलेट्स को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। ये जो कलर लिप का ये ट्रैवलो टैंपलेट्स है, इस टैंपलेट्स को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। ये देखो, मीनिंग यू आर नॉट अलाउड टू रिमूव द फुटर क्रेडिट, फॉर दैट यू मस्ट परचेज अ लाइसेंस। तो हमें क्या करना है, हमें लाइसेंस वाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रैवलो 1.zip करके हमारे पास सारा फाइल यहाँ पे आ गया। तो मैं ये बोल रहा था कि ये ट्रैवलो में आप जाएं, ये ट्रैवलो के टैंपलेट्स है, और ट्रैवलो के टैंपलेट से आप यहाँ पे ये जो ट्रैवलो का टैंपलेट है, ट्रैवलो पे जाएं, और यहाँ पर ट्रैवलो का ये टैंपलेट्स है, और इसको आप यहाँ से उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि ये वाला टैंपलेट आपको डाउनलोड करना है। तो अभी जो हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो प्रोजेक्ट हमारा ट्रेवल डोमेन का प्रोजेक्ट है। जैसे टूर एंड ट्रेवल वाले होते हैं ना, टूर एंड ट्रेवल वालों के अलग अलग पैकेजेस होते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस होती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है ये कि सारा चीज़ हमारा रिवाइज हो जाएगा, मतलब सारा चीज़ हमें काम करना आ जाएगा। इमेज डालना है, इमेजेस को डायनामिक करना है, फिर इमेज की लिंक हमें डेटाबेस में डालनी है, उसको फिर हमें चेंज करना है। तो ये सारा चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक आइडियल एक प्रोजेक्ट में जो सिनेरियो होता है वो सारा चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब जब मैंने इसको डाउनलोड कराया है, तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ट्रैवलो 1.zip, ये यहाँ पे एक फोल्डर आ गया। ये देखो, ये ट्रैवलो 1.zip करके एक फोल्डर आ गया। ये ट्रैवलो 1.zip को आप एक्सट्रैक्ट कर लें, आप यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा ट्रैवलो 1 करके ऊपर में आ गया होगा, एक फोल्डर बन गया होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये ट्रैवलो में ट्रैवलो 1 करके था ना हमारा, ये देखो यहाँ पर ट्रैवलो करके ये हमारे पास यहाँ पर बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सारा माल मटेरियल मिल गया है। कोई भी टैंपलेट जब हम उठाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए उस टैंपलेट से, किसी भी वेबसाइट के टैंपलेट को जब आप उठाते हो तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट मिलनी चाहिए, इमेजेज मिलने चाहिए, स्टाइल्स मिलना चाहिए, पेजेज मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ हमारा आ गया। यदि मैं सिंपली इसको क्लिक कर देता हूँ index.html को, index.html किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, ध्यान रखना। यदि मैं इस index.html को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये हमारा ये सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। ये देखो, ये सारा चीज़ हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसको अपने हिसाब से फिर हमें चेंज करना होगा, है ना। एक मिनट,
हाँ जी बॉस लोग, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे हमें जो है ना, ये जो हमारा टैंपलेट्स है, इन टैंपलेट्स के अंदर हमने ये यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये सारा चीज़ अभी मुझे दिख रहा है। अब इस टैंपलेट्स में मुझे अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करनी है, जहाँ भी चेंजेस करना है हम अपना चेंज करेंगे। कम से कम एक तो लेआउट तो मुझे मिल रहा है, सारा चीज़ अरेंज वे में तो मिल रहा है। अदरवाइज इस चीज़ को अगर हम खुद से बनाने की कोशिश करें और हम सोचे कि भाई खुद से बना लेंगे, तब आप समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा। ये देखो, ये देख रहे हो, इस छोटे सी चीज़ के लिए भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो आज की डेट में जितने भी वेबसाइट्स बनती हैं उसमें लोग तरीका यही होता है कि जो हमारे टैंपलेट्स होते हैं उन टैंपलेट को डाउनलोड करो, टैंपलेट में चेंजेस करो और काम करके दे दो। मैं आपको बताता हूँ जो फ्रेशर होते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है। वो लोग सोचते हैं यार खुद बना दो, खुद बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब इस टैंपलेट्स को यदि तुम तरीके से बना, ये देखो सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, ये देखो। अरे इस टैंपलेट्स को यदि हम खुद से बनाएं तो अपने आप में बहुत टाइम लगेगा, तो इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो हम लोग कभी भी वेबसाइट बनाते हैं तो कोई टैंपलेट बनाओ, कोई टैंपलेट्स को डाउनलोड करो, उस टैंपलेट में चेंजेस करो और उसके बाद काम करो। तो ये टैंपलेट्स हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और ये जो आना था वो हमारे इस लोकेशंस के अंदर, यहाँ पे ये इस लोकेशंस के अंदर हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, चलो अब ये तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस टैंपलेट्स को अपने जैंगो के अंदर ले जाना है। अभी तक जो जैंगो के अंदर जो हमने यहाँ पे काम करा था वो तो हमारा भाई एक कैल्क वाला था जिसमें हमने काम करा था, प्लस माइनस करके हम दिखा रहे थे कि जो भी हमारा कैलकुलेटर है वो अपना काम कर रहा था। तो सबसे पहला काम जब हम जैंगो के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट माना होता है ना। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट माने के लिए भाई क्या कमांड लिखते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट माने के लिए क्या कमांड लिखते हैं भाई, वर्क ऑन वर्क ऑन। तो हम यहाँ पे बोलते हैं वर्क ऑन, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वर्क ऑन, और हमें कहाँ पे आना है, IIIT पे आना है। ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट था तो हम यहाँ पे IIIT के अंदर आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एप्स बनाना है भाई। ऑलरेडी ये एप्स तो हमारा बना हुआ है, अब इस एप्स को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, बहुत हो गया। अब हम एक दूसरा एप्स बनाते हैं, उस एप्स के अंदर हम यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एप्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यदि हमें यहाँ पे एप्स बनाना हो तो हम लोग एप्स कैसे बनाएंगे, उस एप्स के अंदर हम इसको ऐड करेंगे तो हम लोग एप्स कैसे बनाएंगे जी, बताएं कमांड क्या होता है एप्स बनाने के लिए, बोलो। सारे लोग बैठे हुए हो, बताओ एप्स कैसे। सर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम पाइथन मैनेज डॉट पी पी वाई वाई स्टार्ट ऐप स्टार्ट ऐप, और हमें यहाँ पे किस नाम से ऐप बनाना है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रैवल के नाम से ही बनाते हैं या टूर के नाम से बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया टूर, टूर एंड ट्रैवल, तो हम यहाँ पे टूर के नाम से बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये एप्स बना लिया एक टूर के नाम से, टूर एंड ट्रैवल, तो हमने टूर के नाम से एक एप्स बना लिया यहाँ पर। अब यदि आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास एक और फोल्डर आ गया और उस फोल्डर का नाम क्या है, टूर। ये हमारा यहाँ पर फोल्डर आ गया। कभी भी कोई भी एप्स बनाते हो ना तो सबसे पहला काम ये करो कि उसके अंदर इमीडिएट जो है ना यूआरएलएस डॉट पाई डाल दो। कोई भी टैंपलेट बनाते हो तो सबसे पहले यहाँ पे यूआरएलएस डॉट पाई डाल दो। तो यूआरएलएस डॉट पाई, तो सबसे पहला काम यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूआरएलएस डॉट पाई डालेंगे। कहाँ से डालेंगे, ऑलरेडी एक एप्स में तो यूआरएलएस डॉट पाई था ही, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ एप्स वाले यूआरएलएस डॉट पाई को, और मैं यहाँ पे कॉपी करके टूर के अंदर इसको डाल देता हूँ। राइट क्लिक, मैं यहाँ पे बोलता हूँ राइट क्लिक, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पेस्ट, यूआरएलएस डॉट पाई हमारा यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, हो गया, हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यदि मैं बोलूँ कि भाई काम कैसे करना है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा वेबसाइट है यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको अनजिप कर दिया, अनजिप करने के बाद हमारा सारा फाइल वहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब हम आते हैं जैंगो में, अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, जैंगो में अपना प्रोजेक्ट के ऊपर में आते हैं हम। और सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा वर्क ऑन, वर्क ऑन जो भी हमारा ये था वो। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा भाई, हमने एप्स बना लिया पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप टूर करके, हमने एक ऐप बना लिया पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप टूर करके, हमने एक ऐप बना लिया। और मैंने यहाँ पे यूआरएलएस डॉट पाई को कॉपी कर दिया,
url.py कॉपी कर दिया फ्रॉम जो हमारा कैल्क वाला एप्स था, कैल्क वाले ऐप से हमने यहाँ पे url.py को उठा के कॉपी कर दिया, url.py को यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक। और दूसरा चीज़ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, url.py को हमने कॉपी कर दिया, और साथ के साथ url ही नहीं, एक काम करो यहाँ पे views.py को भी कॉपी कर दो। ये दो फाइल तो हमेशा चाहिए चूँकि होता नहीं है वो, तो यहाँ पे views.py को भी कॉपी कर लो, इसको भी वहाँ से कैल्क से उठा के यहाँ पे डाल दो, जिससे कि हमारा काम हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि व्यूज़ को उठा लेते हैं और व्यूज़ को भी डाल देते हैं, ये रहा जी व्यूज़, हम कर देते हैं कॉपी। और मैं यहाँ पे चूँकि सारे क्लास वगैरह मुझे मिल जाएंगे ना, तो मैं इसको भी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, रिप्लेस ओवरराइट कर दो, ठीक। तो हमने यहाँ पे url.py को भी डाल दिया, अब सारा चीज़ आ गया यहाँ पे, इम्पोर्ट इम्पोर्ट ये सब जो लिखा हुआ था वो भी आ गया, और यहाँ पे इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। और ये हमारा views.py, ये जो हमारा views.py है यहाँ पे, इसको भी हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो अभी मैं फ़िलहाल ही सबको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत तो नहीं है मुझे, तो होम रहने दीजिए यहाँ पे, होम यहाँ पे रहने दीजिए, और मैं यहाँ पे इसको हटा दीजिए, मैं एक लाइन रख लेता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि हमारे पास ये आ गया, मतलब ये यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स और ये सब से निकल के सामने आ गया हमारे पास। अब ये रेंडर वाला क्यों, अच्छा रेंडर भी आ रहा है हमारा, ये हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा एक हमें स्ट्रक्चर मिल गया, अब हमें जो करना है यहाँ पे करना है। अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, मतलब आपने व्यूज़ ले लिया, आपने URL ले लिया, अब हमें पहला काम यहाँ पे क्या करना है, जो आपके टैंपलेट आपने जो डाउनलोड करा था उसमें index.html फाइल थी, उसके अंदर index.html फाइल था, है ना। तो वो जो index.html फाइल है उसको कॉपी कर लो, और उस index.html फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर दो। कहाँ पे पेस्ट करोगे, टैंपलेट फोल्डर के अंदर, ये जो हमारा टैंपलेट फोल्डर है, टैंपलेट फोल्डर के अंदर हम HTML फाइल में कॉपी कर देते हैं। तो ये हमारा टैंपलेट फोल्डर है, और टैंपलेट फोल्डर के अंदर हम index.html फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको कॉपी कर लो, कौन सा था हमारा, ये index.html, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं index.html को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब ये हमारा index.html फाइल यहाँ पे आ गया। तो टैंपलेट फोल्डर के अंदर बाकी HTML को भी हम करेंगे बाद में, बाकी को भी हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम इंडेक्स पे, चूंकि हमारा मेन पेज यही है, हमें इंडेक्स पे फोकस करना है, तो हम index.html को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब index.html आ जाने के बाद अब इसके जो सपोर्टिंग फाइल हैं, इसके जो हमारे सपोर्टिंग फाइल हैं, उन सपोर्टिंग फाइल को भी तो हमें रखना है, इसके जो हमारे सपोर्टिंग फाइल हैं उन सपोर्टिंग फाइल्स को भी तो हमें रखना है। तो यहाँ पे हमें JS भी चाहिए, इमेजेस भी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो इसके सपोर्टिंग फाइल्स हमें चाहिए। तो उस सपोर्टिंग फाइल्स के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो आप index.html फाइल को कॉपी पेस्ट कर दोगे कहाँ पे, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर में। इसको कॉपी करने के बाद अब आपको दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हमारे स्टैटिक फाइल हैं वहाँ पे, जितने भी हमारे अदर फाइल्स हैं, जो हमारे अदर फाइल्स हैं, अदर फाइल्स के अंदर हमारे क्या है, जितने भी हमारे फोल्डर हैं, फोल्डर मतलब जो इमेजेज हैं, जो हमारे इमेजेज हैं, जो हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल हैं, उन सारे चीज़ों को, जो हमारे स्टाइल के फाइल हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं वहाँ पे, फॉन्ट हैं, जो भी हमारे पेजेज हैं, उनको उठा के, ये जितने भी अदर फाइल्स हैं इनको उठा के, हमें इनको उठा के कॉपी करके डाल देना है स्टैटिक फोल्डर में। हमें यहाँ पे कहाँ डालनी है, स्टैटिक फोल्डर में डालनी है। तो हम लोग एक स्टैटिक फोल्डर बनाएंगे तभी तो डालेंगे स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम एक स्टैटिक फोल्डर बनाते हैं, और जो भी आपको काम करना है, तो जो भी फोल्डर बनाना है वो किसी के अंदर नहीं बनाना, ना तो टूर के अंदर, ना कैल्क के अंदर, ना एजाइल के अंदर, यहाँ पर बनाना है जिससे कि यहाँ पर एक्सेसिबल हो। तो मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक न्यू, और मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ डायरेक्ट्री, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट्री बनाता हूँ किस नाम से, मैं यहाँ पर स्टैटिक के नाम से बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर स्टैटिक के नाम से बना लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, कर दिया। और ये जो हमारा स्टैटिक फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर ये सारी राम कहानी उठा लो, ये जितना भी है ना यहाँ पे, ट्रेबिलो, स्टाइल, प्लगइन, जेएस, इमेज, ये सबको उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे उठा के सबको पेस्ट कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इमेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, जो हमारे फॉन्ट हैं, जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर के अंदर उठा के हमने डाल दिया। अब ये कॉपी हो रहा है, काफी सारी फाइल्स हैं उसके अंदर।
तो आप कोई भी वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो तरीका यही होगा, आप वहाँ पे index.html को उठा के टेम्पलेट में डाल दो, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको उठा के वहाँ पे स्टैटिक में डाल दो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्टैटिक फाइल हमने यहाँ पे डाला है ना सारा, इन सारी चीज़ों को उठा के हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये जो हमने स्टैटिक यहाँ पे डाला है इनको उठा के हमें settings.py में इसको कॉन्फ़िगर करना होगा, यानी कि स्टैटिक फाइल के अंदर आपने यहाँ पे कॉपी करना है और स्टैटिक फोल्डर में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, स्टैटिक फोल्डर में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे जितने भी हैं ये सारे फाइल्स, अदर फाइल्स और ये सब स्टैटिक फोल्डर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और स्टैटिक फोल्डर क्रिएट कहाँ पे करेंगे याद रखना, ये आपके प्रोजेक्ट के बाहर होगा, प्रोजेक्ट या एप्स के बाहर होगा, इसके बाहर होगा, इसके अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट या एप्स के आउटसाइड उसके बाहर बनाएंगे, ठीक है। तीसरा काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आएंगे सेटिंग्स डॉट पाई के ऊपर, जो हमारा सेटिंग्स डॉट पाई है, सेटिंग्स डॉट पाई में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई हमारा कौन सा फाइल है। ये देखो यहाँ पे सब आ गया, ये देखो सारे इमेजेस आ गए, सारे इमेजेस आ गए यहाँ पे, ये जावास्क्रिप्ट आ गया जो भी चाहिए होगा उसको, और यहाँ पे ये सारे प्लगइन्स वगैरह आ गए जो भी चाहिए, स्टाइल्स वगैरह सारे आ गए जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ निकल के आ गया जो भी उसको चाहिए होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे स्टाइल वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर, तो ये हमारा यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई है, हमारा यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई है, और सेटिंग्स डॉट पाई के ऊपर हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई है, ठीक। और सेटिंग्स डॉट पाई में जब आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, ये देख यहाँ पे तो बस इतना लिखा हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल डालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIR कैपिटल लेटर, स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIR इज इक्वल। अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसका जो लोकेशन होगा वो हमारा लोकेशन क्या होगा, तो हमारा जो OS का जो पाथ है तो मैं यहाँ बोलता हूँ OS डॉट, और OS का जो हमारा पाथ है OS डॉट पाथ, और इसके अंदर मैं यहाँ बोलते हैं ज्वाइन पाथ डॉट, मैं आप बोलता हूँ ज्वाइन, और यहाँ पे हमें लगाना है क्या, तो हमें यहाँ पे देना है base DIR जहाँ पे है, और base DIR के अंदर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम ले लेते हैं जो हमने वहाँ पे डाला था, तो हमने फोल्डर का नाम क्या डाला था यहाँ पे, स्टैटिक डाला था, तो हम यहाँ पे स्टैटिक मेंशन, ठीक। तो हमने यहाँ बोल दिया स्टैटिक यूआरएल, ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है, हमने यहाँ पे डाल दिया स्टैटिक फाइल, स्टैटिक फाइल्स DIR इज इक्वल टू, स्टैटिक फाइल्स DIR इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर डाल दिया ओ एस डॉट पाथ जो ज्वाइन, जो हमारा बेस डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी के अंदर जो स्टैटिक फाइल है फोल्डर है उसका लोकेशन हमने डाल दिया यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक चीज़ और डाल देते हैं स्टैटिक स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, और स्टैटिक अंडरस्कोर रूट में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू, अगेन हम यहाँ बोलते हैं os.path डॉट ज्वाइन, और अगेन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारा बेस DIR है हम यहाँ बोलते हैं base_DIR कॉमा। देखो हम लोग बनाते हैं स्टैटिक फोल्डर, लेकिन जैंगो ना उसको स्टैटिक फोल्डर में कंसिडर नहीं, मतलब स्टैटिक फोल्डर से डेटा नहीं उठाता, वो जो डेटा उठाता है वो एसेट फोल्डर से उठाता है। तो ये जो हमारी स्टैटिक फोल्डर है, ये स्टैटिक फोल्डर हमारे लिए बनाया गया है कि हमने अपना डेटा डाल दिया, जैंगो उसको अलग तरीके से मेंटेन करता है, तो बेसिकली वो एक फोल्डर बनाता है जिसका नाम होता है एसेट। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं एसेट्स, हम यहाँ पर डाल देते हैं एसेट, यानी कि जो भी उसका एसेट होगा, जैंगो पुट ऑल फाइल्स इन एसेट फोल्डर, एसेट फोल्डर देखो यहाँ पर बना हुआ नहीं है, अभी हम एक कमांड चलाएंगे जिससे कि हमारा एसेट फोल्डर बनेगा, तो यहाँ पर हमने ये डाल, तो हमने बोल दिया स्टैटिक रूट, तो os.path.join base_DIR एसेट, अभी एसेट करके कुछ है नहीं,
अभी हमें एसेट यहाँ पर बनाना है, तो एसेट बनाने के लिए आपको टर्मिनल पे एक काम करना होगा। तो ये तीन लाइन आपको डालनी है, आप दो लाइन आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आपको ये दो लाइन यहाँ पर डालना है, सेटिंग्स डॉट पाई में ये आपको दो लाइन यहाँ पर डालना है। तो ये जो लोकेशन आपने दिया है ये अपने लिए दिया है, और ये जो लोकेशन आप दे रहे हो ये कि भाई वो एक एसेट फोल्डर में डालेगा, वहां से डेटा को उठाएगा। तो ये एसेट फोल्डर जो बनेगा वो स्टैटिक फोल्डर को लेके बनेगा। तो अभी हम बनाते हैं, अभी देखो हमने यहाँ पे कोई एसेट फोल्डर नहीं बनाया है और हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बनेगा। तो अभी हम एसेट फोल्डर बनाते हैं। तो एसेट फोल्डर हम यहाँ पर बनाएंगे कैसे, तो हमें आप बोलते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई, और हम यहाँ पर बोलते हैं कलेक्ट, हमें आप बोलते हैं कलेक्ट स्टैटिक, कलेक्ट स्टैटिक। तो हम यहाँ बोलते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई कलेक्ट स्टैटिक। अब ये क्या क्या करेगा, एक एसेट फोल्डर बनाएगा और एसेट फोल्डर के अंदर में सारे डेटा को उठा के डाल देगा। ये देखो 370 स्टैटिक फाइल कॉपी टू एसेट। अब यदि तुम यहाँ पे ये देखोगे रिफ्रेश करके, ये देखो एसेट फोल्डर बन गया। अब आपको इसको देखना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अब जो भी है अपना ठीक है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, जब कभी भी हमें यहाँ पे स्टैटिक को लेके एसेट फोल्डर बनाना है तो हम इस तरीके से बनाते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई कलेक्ट स्टैटिक। यदि आप चला दोगे तो ये अपना एसेट फोल्डर बना के उसको डाल देगा। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ये हमारा एसेट फोल्डर कलेक्ट स्टैटिक से होता है। अब यहाँ पे स्टैटिक से पूरा डेटा को उठा के उसने यहाँ पे एक एसेट फोल्डर में हमारे पास यहाँ पे डाल दिया। ये एसेट फोल्डर होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, एसेट फोल्डर बना लेते हैं, केवल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसकी और भी एंट्री होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये कमांड चलाना है पाइथन मैनेज डॉट पाई कलेक्ट स्टैटिक। तो ये अपने हिसाब से उन सारे डेटा को उठा के उस स्टैटिक फोल्डर में यहाँ पे डाल देगा, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो अब हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में आते हैं। ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, तो सबसे पहले ये सब बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे खुली हुई हैं, तो इन सबको बंद कर दो, नहीं तो फालतू ये परेशान करता रहेगा, अननेसेसरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइल खोल के रखने का फायदा नहीं है। इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है। अब देखो हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पे कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इमेजेस जो गौरव उठा रहा है ये कहाँ से ला रहा है, आप जरा गौर से देखो, ये जो लिंक है तो ये तो इसको यहाँ से मिल रहा है ना, तो यहाँ पे इन सब लिंक को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि उसे लाना कहाँ से है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ये जो लिंक है, ये सारे जो लिंक हैं ये सब हमें चेंज करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ हमारा ये एच डी एफ वगैरह लगा हुआ है ना, ये एच डी एफ, ये जितने भी एच डी एफ हैं ये सारे एच डी एफ हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे एसेट फोल्डर बना लिया, अब इस एच डी एफ में हम यहाँ पे चेंज करेंगे। अब जैसे मान लो हमारा ये एच डी एफ है, ये पहला वाला एच डी एफ है हमारे पास। अब ये पहला वाला एच डी एफ में हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी ना, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये तो एक टेम्पलेट का फाइल है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको जो स्टाइल मिलेगा आप कहाँ से मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं एच डी एफ इज इक्वल टू जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जैंगो टेम्पलेट यूज करेंगे। तो हम जैंगो टेम्पलेट किस तरीके से यूज करेंगे, तो हम यहाँ बोलते हैं परसेंटाइल, हम यहाँ बोलते हैं परसेंटाइल, और ये परसेंटाइल में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक, और हमें उसको बताना होगा कि उसका लोकेशन हमारा क्या है। तो हम यहाँ बोलते हैं ये हमारा स्टाइल डॉट रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे ये जो जैंगो टेम्पलेट है इसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोलते हैं परसेंटाइल, और ये जैंगो टेम्पलेट को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब ये यहाँ पे स्टैटिक से डेटा को उठाएगा, स्टैटिक के अंदर ये चेक करेगा, स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक के अंदर हमारा स्टाइल है, और स्टाइल से यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस, ये हमारा डेटा यहाँ पर उठाएगा। तो ये जो चेंजेस तुमने यहाँ पे किया है, ये चेंजेस तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा, ये चेंजेस आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब ये वाले चेंजेस तो आपको यहाँ भी करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, इतना दूर तो कॉपी कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। देखो चेंजेस करते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, अदरवाइज फिर दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पे उठा के इसको डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। और यही काम मुझे इन सब में भी कर देना चाहिए, जहाँ जहाँ एच डी एफ है वहाँ पर आप ये काम कर दो, जहाँ जहाँ एच डी एफ है तो यहाँ से उठा लो और यहाँ से उठा के ये काम कर दो, ठीक। यहाँ पे भी कर देते हैं, एक साथ ही कर देते हैं। तो थोड़ा कॉपी पेस्ट करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है,
और लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बंद करना है ये वाला ब्रैकेट लगाने के बाद, है ना। तो ये यहाँ पे भी कॉपी कर दो और ये यहाँ भी कॉपी कर दो और ये यहाँ भी कॉपी कर दो और ये यहाँ भी कॉपी कर दो, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो हमने किया ही नहीं था। यहाँ पे भी हमने डाल रखा है प्लगइन, तो यहाँ पे भी डाल दो HRF। ठीक है, और ये जो लास्ट में है एक ब्रैकेट हटा दो, और इसको जो है लास्ट में फिर यहाँ पे भी चेंज कर दो, ये वाला जो यहाँ पे आपने करा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, मतलब ये डेटा वहां से हमारा उठा ले। ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे ये चेंज करके देखना है, ठीक है। और एक काम मुझे और करना होगा, क्या काम करना होगा, क्योंकि ऊपर से हम टेम्पलेट को उठा रहे हैं ना, तो सबसे ऊपर में मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा ना कि लोड स्टैटिक। तो हमें आप बोलते हैं परसेंटाइल, हमें आप बोलते हैं परसेंटाइल, और मैं आप बोलता हूँ लोड, हमें लोड करना है, किसको लोड करना है, स्टैटिक लोड, स्टैटिक। अगर तुम नीचे चेंज कर देते हो ऊपर में ये नहीं डालते हो, तो वो स्टैटिक को रिकॉग्नाइज करने नहीं जा रहा है, तो इसलिए सबसे ऊपर में आप ये काम करते हैं लोड स्टैटिक, और उसके बाद ये जो चेंजेज हैं अपना ये चेंजेज आप यहाँ पे करें सब जगह ये स्टैटिक। आपको लोकेशन बता देना है कि भाई स्टैटिक फोल्डर से ही उठाना है वो जो भी डेटा उठाना है यहाँ पे, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि कहानी बन क्या रही है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाइथन मैंने डॉट पाई, और मैं यहाँ बोलता हूँ रन सर्वर। अब रन सर्वर करने से पहले हमें यहाँ पे उस व्यू में भी चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें URLs डॉट पाई में भी एंट्री करनी पड़ेगी इंडेक्स डॉट एस टी एम एल की, तभी तो आएगा वो। तो ये हमारा कहाँ पे था, हम टूर में थे, टूर में हमारा यहाँ पे व्यू डॉट पाई था, तो यहाँ पे ये बोल रहा है तो यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, हमें अब बोल देते हैं कौन सा, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, है ना। मैं डायरेक्ट इसी को इंडेक्स डॉट एस टी एम एल को कॉल करवा देता हूँ, टेम्पलेट्स उठा लेगा ये अपना। और ये जो हमारा URLs है, URLs में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सब सब सही है, तो मैं यहाँ पे ये ऐड मेथड तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपना ये जो हमारा होम मेथड है, तो ये हमारा होम मेथड को यहाँ पे अपना कॉल कर लेगा, नेम इज इक्वल टू, ये हमारा मेथड था होम, तो ये अपना होम को यहाँ पे ये कॉल कर लेगा ये जो हमारा URL है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट का URL है, प्रोजेक्ट के URL में भी हमें इसे इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे कैल्क वाला है, मैं अभी फिलहाल कैल्क को हटा देता हूँ, तो कैल्क की जगह मैं यहाँ पे किसको ले लेता हूँ, ये जो हमने टूर बनाया था, ये हमारा टूर डॉट URLs, उसको मैंने इंक्लूड करवा दिया, तभी तो आप स्टार्ट कर पाओगे इंडेक्स डॉट एस टी एम एल को। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि इसकी कहानी क्या बन रही है। और मैं इसको रन करता हूँ, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें आ रही हैं अभी, लेकिन कई सारे इमेजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, कुछ और भी टेक्स्ट अभी नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें बाकी जगहों पे भी चेंज करने पड़ेंगे, अभी हमने पूरा चेंज किया नहीं है, इसलिए वो डेटा हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, चलो सबसे पहले मैं और देखता हूँ कि भाई यहाँ पर इमेजेज वगैरह कैसे आएंगे। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एस टी एम एल पे आता हूँ, अभी मैं चेक कर रहा था कि कुछ उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, तो चीज़ें उठ रही हैं, ये CSS वगैरह तो आ गए। अब मुझे यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह हैं उन इमेजेस वगैरह में भी यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, ये जो हमारे इमेजेस वगैरह हैं उन इमेजेस वगैरह में भी यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे हेड पोर्शन, ये हमारे यहाँ पे कंटेंट पोर्शन होगा, ये तो मेनूज वगैरह के लिए आ रहे हैं,
और यहाँ पे ये हमारा मेनू है, मेनू ऑप्शंस में अभी हमें फिलहाल कुछ चेंज नहीं करना। तो जहाँ जहाँ पे आई एच एम जहाँ जहाँ पे एच डी एफ होगा, इमेजेज वगैरह के फोल्डर्स वगैरह होंगे, उसमें हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, मैं कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। डीप क्लास इज इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज। अब जरा यहाँ पे गौर से देखो कि बैकग्राउंड इमेज में हमारा यहाँ पे ये आ रहा है ना, बैकग्राउंड इमेज यू आर एल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे होम स्लाइडर और ये सब ठीक। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे जाऊँ नीचे में, यदि मैं यहाँ पे नीचे में जाऊँ तो ये देखो, ये यहाँ पे सारी इमेज है, ये सारे यहाँ पे इमेज है देख रहे हो, बीच डॉट एस बी जी, और ये सारे इमेजेस हैं। तो ये इमेज एस आर सी जो है, जैसे आपने वहाँ पे चेंज करा था एस आर सी के बाद, जो आपने यहाँ पे एस आर सी के बाद यहाँ पे चेंज करा था, वो चेंजेस तो आपको यहाँ भी करना होगा, तभी वो इमेज हमारी निकल के आएंगे यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लगाना शुरू कर देते हैं इमेज एस आर सी इज इक्वल टू, और जहाँ जहाँ पे हमारा एस आर सी है वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे देते हैं परसेंटाइल, परसेंटाइल, और हम यहाँ बोलते हैं स्टैटिक, ये हम यहाँ बोलते हैं स्टैटिक। और स्टैटिक के अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, इमेज फोल्डर है, और इमेज फोल्डर के अंदर हमारा ये क्या है, इमेज है जो वहाँ पे आ रहा है ना, ये हम डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें इसको बंद भी तो करना पड़ेगा, परसेंटाइल और ये ठीक है। तो ये चीज़ हमें सभी जगह डालने पड़ेंगे, इमेजेस आर सी इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे है जो जो इमेजेस हैं उन इमेजेस में हमें ये सब लगाना पड़ेगा। यही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, यही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, यही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा ठीक, और साथ के साथ यही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, यही काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा ठीक है। तो ये स्टैटिक से इमेज को उठा के यहाँ पे दिखाएगा, एक बार रन करके देखते हैं कि जो हमने डाला है तो कुछ हुआ क्या। चेंज कर लेते हैं, अभी देखते हैं और भी उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे अभी। अब देखो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे अब आपको यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे, अब इतने सारे यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ बैकग्राउंड इमेज है सभी जगह हमें यहाँ पे वो टेम्पलेट ड्रिवन लैंग्वेज का, टी डी एल का, वो जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का वो परसेंटाइल ब्रेसेस और वो सब चीज़ें हमें लगानी पड़ेंगी, ब्रेसेस परसेंटाइल और ये सब। तो अब यहाँ पे लगाते लगाते तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है ना, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ मैं ये वाला डालता हूँ, इसको मैं बंद कर दूँ। ये देखो सारे यहाँ पे चेंजेज हैं, इतना वही चेंजेज हैं जो आपको करना है, सभी जगह यहाँ पे इसमें चेंजेज हैं। ये देखो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, ये मेनूज वगैरह भी निकल के आ रही हैं, ये इमेजेस भी आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी जगह चेंज करना पड़ता है, आप दो चार खुद से चेंज कर लेना, बाकी यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट मार देना, क्योंकि इतना चेंजेस करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे इमेजेस हैं। अब ये जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी लिंक हैं, सब में आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे आके देखूँ
तो मैं यहाँ पे आके देखूँ तो इसके अंदर बहुत सारे इमेजेस वगैरह ये सारी चीज़ हैं। ये देखो सभी जगह लिखा हुआ है इमेजेस आरसी, सभी जगह लगा है। ये देखो इमेजेस आरसी, जहाँ जहाँ आपके इमेजेस वगैरह हैं सब जगह यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, बाकी और कोई चेंज नहीं। ये जो आ रहा है यहाँ पे अपना इमेजेस आरसी वगैरह वो सारा चीज़ यहाँ पे है ठीक, लेकिन अभी भी इसमें जो बैकग्राउंड इमेज है वो नहीं आ रहा है। गौर से देखो यहाँ पे ये लोड स्टैटिक लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे ये जो हमारा इमेज है, ये जो हमारा हेडर है, हेडर के अंदर ये हमारा यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल और ये सब, यदि आपको इसमें चेंजेस करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर दो जो भी चेंजेस है। अभी फ़िलहाल मैं इमेज पे चेंज करता हूँ और ये यहाँ पे सारे चेंजेस हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड इमेज यूआरएल इस तरीके से लिखा हुआ है ना, इस यूआरएल में यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो आपने यहाँ पे स्टैटिक डाल दिया, इमेजेस के अंदर ये ले लिया और इसको आपने यहाँ पे बंद कर दिया है ना, और ये ब्रैकेट आपका यहाँ पे बंद हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे ये रेड आ रहा है, टैग स्टार्ट इज़ नॉट क्लोज्ड। अब ये बोल रहा है जी टैग तो आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन जो ये स्टार्ट टैग है ये हमारा यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है इसलिए हमारे पास वो आ नहीं रहा है। ये जो हमारा है स्टाइल बैकग्राउंड इमेज इसका ये बंद है, और ये यहाँ पे हमारा यूआरएल है, यूआरएल के बाद ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ये बंद है, उसके बाद हमारा ये है और ये ब्रेसेस के बाद यहाँ पे ये बंद है, तो मोरलेस ये ठीक है लेकिन इसका रीज़न कुछ और है, अभी मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। चलो जितना आ रहा है ये ठीक है, अभी मैं इसमें और भी चेंजेस करूँगा, अभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ये हमारे यहाँ पे डीप क्लास है, सुपर कंटेनर है, सारे क्लासेज वगैरह यहाँ पे जो भी उठाने थे उसने उठा लिया है। अभी मैं इसको यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे होम पे आऊँ तो अभी वो पेज नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पेज वहाँ पे है नहीं। ये देखो अब ये सारे अबाउट डॉट एच टी एम एल, अभी मुझे उसको सबको यू आर एल में डालना पड़ेगा ना, तभी तो कॉल होगा ना यहाँ पर। तो मेरा काम करने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने टैम्पलेट्स को डाउनलोड करा, टैम्पलेट में जहाँ जहाँ पे इमेजेस था उस इमेजेस को हमने यहाँ पे चेंज करा ठीक है। अभी देखो जो भी ये चीज़ें आ रही हैं तो स्टैटिक उठ के आ रही हैं, ये अभी क्या आ रही हैं, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है वो तो इमेज फोल्डर में वो डाला हुआ है, तो इमेज फोल्डर से उठा के आप यहाँ पर दिखा रहे हो। ये हमारा यहाँ पर इमेज फोल्डर में यदि आप जाओगे यहाँ पर स्टैटिक में, तो ये इमेज फोल्डर के अंदर से अपना इमेज उठ उठ के आ रहा है, क्योंकि आपने यही काम किया है। अभी जो हमारा इमेजेस है यहाँ पे, जो भी हमारे इमेजेस यहाँ पे आ रहे हैं वो इमेज फोल्डर से अपना उठ के आ रहा है। लेकिन अब इसी चीज़ को लेके हमें यहाँ पे काम करना है कि ये इमेज फोल्डर से तो चलो ठीक है, अभी जो कुछ भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है सब स्टैटिक दिख रहा है। अब इसको मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, डायनामिक करना है। अब मैं छोटा छोटा करके डायनामिक करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जैसे देखो ये हमारा पेज है, तो अब यहाँ पे ये देखो ये प्राइस है, ये बाली का प्राइस है फॉर फ्रॉम $679। ये यहाँ पे अभी सबका प्राइस एक ही है, इसी को कॉपी पेस्ट मार दिया गया है, तो ये यहाँ पे प्राइस निकल के आ रहा है क्या इस। अब इन चीज़ों को मुझे क्या करना है, कस्टमाइज़ करना है। टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे पास है तो मुझे इन चीज़ों को डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक आप बनाओगे कैसे, तो डायनामिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इसे मुझे डायनामिक बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाली, और बाली के बाद हमारा ये है, इसे मुझे डायनामिक बनाना है, इसे भी डायनामिक बनाना है, या मान लो मुझे फिलहाल अभी इसे डायनामिक बनाना है कि मैं चाहता हूँ कि भाई एक कम से कम डायनामिक हो जाए। तो डायनामिक आप यहाँ पे कैसे बनाओगे, तो डायनामिक बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे इसमें वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू कहाँ से पास करोगे, मुझे यहाँ पर वैल्यू पास करनी है तो वैल्यू कहाँ से पास करेंगे, व्यू से पास करेंगे, ये राजी हमारा रिक्वेस्ट डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और मैं यहाँ से वैल्यू पास कर देता हूँ, तो वैल्यू कैसे पास करेंगे, कॉमा यहाँ पे लगाएंगे ये प्राइस। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्राइस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्राइस,
और ये जो हमारा प्राइस है, प्राइस कितना रखना है बताओ। मान लो मैं यहाँ पे प्राइस पास करना चाहता हूँ और प्राइस की वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ कि भाई प्राइस इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 1000, ठीक। और मैंने इसको यहाँ पे अपना चेंज कर दिया, तो ये तुम यहाँ पे क्या पास करो, पैरामीटर पास कर रहे हो ना, ये आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं ना। तो पैरामीटर पास करने के लिए अब आप वहाँ पे क्या करेंगे, तो यदि मुझे सिंगल वैल्यू पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं, अब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाता हूँ, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ। सबसे आसान तरीका, मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर लेता हूँ, मैं बाली फाइंड कर लेता हूँ। तो ये राजी हमारा बाली, बाली आ गया, और बाली के नीचे में ही तो प्राइस था, ये जो प्राइस है, तो इस प्राइस को मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये प्राइस मुझे वहां से उठाना है। कैसे उठाएंगे बताओ, ये वाली जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पास करी है, ये वैल्यू मुझे यहाँ देना है, तो किस तरीके से दोगे, जिंजा फॉर्मेट यूज करेंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल ब्रेसेस, और डबल ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पे क्या पास कर देंगे, यहाँ पे प्राइस पास कर देंगे। यही दिया था ना आपने वहाँ पे, यही दिया था ना आपने यहाँ पे, यही पास कर रहे हो ना, प्राइस पी आर आई सी स्मॉल में है, तो यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ प्राइस, ये हमारा स्मॉल में है। अब यदि मैं इसको रन करूँ, यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब जरा गौर से देखो, ये आया नहीं, आना चाहिए। तो एक काम कर लो, एक बार कंट्रोल सी रन कर लो, और यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बाली वाले भाई साहब के पास वो बोला प्राइस आना चाहिए यहाँ पे। ये देखो, अब ये $1000 आ रहा है ना, ये जो $1000 आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, आपने जिंजा फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पे पास किया है। लेकिन अभी आपने कितना वैल्यू पास किया है, अभी तो केवल आपने एक वैल्यू पास किया है। अरे मान लीजिए मुझे मल्टीपल वैल्यू पास करना है, तो भाई मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि केवल एक ही वैल्यू चेंज हो, मुझे केवल यही चेंज नहीं करना, मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये इमेज भी चेंज करना है, हर एक चीज़ को मैं डायनामिक रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर दूँ कि सेटिंग्स डॉट पाई के बाद आपने यहाँ पे ये मैनेज करवा दिया था। मैनेज करवाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने यहाँ पे इसको मैनेज करवा दिया था। मैनेज करवाने के बाद हमें क्या करना था, जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में, एच टी एम एल फाइल में हमें चेंजेस करने थे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में हमें चेंजेस करने थे यहाँ पे। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में आपको क्या क्या चेंजेस करने थे, जो मेनली आपको चेंजेस करने थे वो क्या, तो मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जो मेनली आपको चेंज करना था, एक तो ऊपर में ये डालना था, ये यहाँ पर ऊपर में डालना था परसेंटाइल, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में चेंजेस करने थे, ये सबसे ऊपर में डालना है, ये लाइन टॉप में। उसके बाद आप जैसे कि आप स्टैटिक लोड कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एच आर एफ है ना, जहाँ जहाँ एच आर एफ है, यहाँ पे सभी जगह आप चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ एच आर एफ है, जितना भी जो भी हमारा एच आर एफ वाला पोर्शन है, उन सबको यहाँ पे चेंज करेंगे। इन सबको चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना था, जो हमारे इमेजेज वाले पोर्शन है, इमेजेज वाले पोर्शन पे भी हमें चेंज करने थे, ये जो हमारा इमेजेज वाला पोर्शन है, इस इमेजेज वाले पोर्शन पे भी चेंज करने थे। जैसे मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ बाली, तो ये राजी बाली, तो बाली उली में भी यहाँ पे हमें चेंज करना था, ये हमारा इमेज वाला जो पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे एच आर एफ फिजिकल टू स्टैटिक डेस्टिनेशन डॉट एच टी एम एल, और ये रहा हमारा बाली, और ये यहाँ पे जितने भी इमेज ऊपर में इमेज आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखो डेस्टिनेशन इमेज यू एस आर सी। तो जहाँ जहाँ इमेज वगैरह है सभी जगह हमें इसको चेंज करना है इस तरीके से, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे इमेजेज वगैरह हैं उस पेजेज में हमें यहाँ पे ये सारी चेंज करना है। चेंज करने के बाद हमें क्या करना था, एक बार इसे रन करके देखना था। रन करके देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, रन करके देखना था, रन करके देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, ये जो हमारा यहाँ पे टूर के अंदर जो हमारा व्यूज डॉट पाई था, व्यूज डॉट पाई के अंदर हमने ये राम कहानी लिख दी, हमने अपना कॉल कर लिया। तो व्यूज डॉट पाई में, व्यूज डॉट पाई के अंदर हमने यहाँ पे अपने फाइल को कॉल करवा लिया, ये जो हमारा फाइल था यहाँ पे, उस फाइल को हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया, ठीक। तीसरा काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, व्यूज डॉट पाई के अंदर बाद आपको यू आर एल एस के थ्रू भी तो उसकी एंट्री करवानी थी, तो वो यू आर एल तो एज इट इज है हमारा, और यहाँ पे ये यू आर एल एस हमारा एज इट इज है, और ये जो एजाइल वाली यू आर एल एस थी उसके अंदर हमें यहाँ पे इंक्लूड कर लेना था इसको, तो हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट वाला यू आर एल एस था, प्रोजेक्ट वाला जो हमारा यू आर एल एस था, उस यू आर एल एस के अंदर हमने यहाँ पे ये चेंज करना था, यू आर एल एस के अंदर हमने यहाँ पे ये चेंज करना था, हमने यहाँ पे अपना चेंज कर लिया।
और इसके बाद हम अपना रन करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा कहानी क्या जा रहा है। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पर डेटा को डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाने के लिए सिंपल मैं बोलता हूँ कि मुझे प्राइस चेंज करना है। अरे मैं बोलूँ कि मुझे प्राइस चेंज करना है, तो भाई ये जो प्राइस उठ के आ रहे थे ये तो HTML से उठ के आ रहा है, अरे मुझे प्राइस को यहाँ पर चेंज करना है। तो प्राइस को चेंज करने के लिए भाई मैं चाहता हूँ कि एक का प्राइस चेंज हो जाए, तो प्राइस को चेंज करने के लिए आपने व्यूज़ में क्या करा, यहाँ पर ये वैल्यू पास कर दिया। व्यूज़ के अंदर आपने यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया, तो ये हमने यहाँ पर व्यूज़ के अंदर ये वाला वैल्यू पास कर दिया है ना। और वहाँ पे index.html फाइल पे हम जाएंगे, और index.html फाइल पे जहाँ पे ये हमारे ये बाली है सर्च कर लेंगे, और जहाँ पे हमारा ये प्राइस था तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्राइस डाल देंगे है ना। div क्लास इज इक्वल टू, तो यानी कि index.html फाइल पे, index.html फाइल के ऊपर हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे ये डाल देंगे। ठीक, तो फिर से यदि हम अपना रन करेंगे तो रन करके देख लेंगे भाई प्राइस हमारा चेंज होके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम डायनामिक बना रहे हो, ये डायनामिक चलो ठीक है भाई हमारा एक डेटा के लिए तो ये अपना काम कर गया, लेकिन यार मुझे तो मल्टीपल डेटा को लेकर डायनामिक बनाना है। एक डेटा में चेंज करने से हमारा काम थोड़ी होगा, मुझे तो कई सारे चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे कई सारे चेंजेस करने हैं, तो मुझे यहाँ पे अपने डेटा को डायनामिक बनाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डायनामिक हमने बनाया, प्राइस चेंज कर दिया, लेकिन ये तो तुमने सिंगल वैल्यू को ही डायनामिक बनाया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज को लेकर डायनामिक बनाना है। मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को लेकर डायनामिक बनाना है, मल्टीपल वैल्यूज को लेकर डायनामिक बनाना है। तो मल्टीपल वैल्यूज को पास करना है मुझे, तो उसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा हमें अपने अप्रोच में चेंजेस करने पड़ेंगे, और अप्रोच में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मुझे मॉडल को लेकर काम करना पड़ेगा। अभी तक हमने मॉडल को लेकर कोई काम नहीं किया है, जो भी हमने पास किया व्यूज को लेकर पास किया है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडल के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा सीधा मॉडल के अंदर आता हूँ, तो ये राज ये हमारा टूर वाले फाइल के अंदर, टूर वाले फाइल के अंदर ये राज ये हमारा मॉडल डॉट पाई, और ये जो हमारा मॉडल डॉट पाई है, मॉडल डॉट पाई के अंदर हम यहाँ पे अपना एक क्लास बना लेते हैं है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ डेस्टिनेशन के नाम से, मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ डेस्टिनेशन के नाम से। और आप क्या क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ भाई मुझे क्या क्या लेना है। देखो कोई भी क्लास बनेगा तो उसमें एक आईडी फील्ड होती है, तो मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ आईडी INT। और मान लो मुझे यहाँ पे नेम लेना है डेस्टिनेशन का नाम, मुझे नेम भी चेंज करना है, कोई जरूरी थोड़ी है बाली होगा, मेलबॉर्न भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे नेम को यहाँ पे STR कर देता हूँ, और इसी तरह से मैं यहाँ पे इमेज भी ले लेता हूँ, इमेज मुझे मान लीजिए इमेज चेंज करना है, तो मैं इमेज में यहाँ पे इमेज को भी यहाँ पे अभी फिलहाल मैं उसका पाथ ले लूँगा, तो मैं इमेज को भी यहाँ पे STR कर देता हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को भी मैं यहाँ पे उठा के STR कर देता हूँ। ठीक है, और जो हमारा प्राइस है, इसका मतलब हमने सब कुछ चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, इमेज चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दिया, मतलब सारी चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइस को उठा के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डेस्टिनेशन क्लास बना दिया, और डेस्टिनेशन क्लास के अंदर ये सारे हमने कुछ नहीं करे, हमने एट्रीब्यूट डाल दिए। हमने एट्रीब्यूट कौन कौन डाले, आईडी डाला, नेम डाला, IMG डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, प्राइस डाला, जो भी चीज़ें हमें वहाँ पर डालनी थी वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, व्यू डॉट पाई के ऊपर फिर से आना है, और व्यू डॉट पाई में हमें क्या करना है, ये जो मॉडल है इस मॉडल को कॉल करना है ना। तो व्यूज डॉट पाई के अंदर मॉडल को कॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल, और इंपोर्ट कर लोगे, किसको इंपोर्ट कर लोगे, जो हमारा वहाँ पे क्लास का नाम था, क्लास का नाम क्या था, डेस्टिनेशन। तो हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन को इंपोर्ट कर लिया, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे ये हमारा, अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर वो जो डेस्टिनेशन था उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो मैं बोल देता हूँ Dest1=Destination, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसमें सारे वैल्यू डालने हैं, तो हमें आईडी डालने की जरूरत नहीं है, हम बोलते हैं Dest1 डॉट, जो भी यहाँ पे डालना है डाल दो। मैं बोलता हूँ Name=, मैं बोल देता हूँ हैदराबाद, ठीक भाई बाली था, बाली की जगह मैंने यहाँ पे याद डाल दिया हैदराबाद। अब मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ Dest1 डॉट description is equal to, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बिरयानी हाउस, वहाँ पे वही मिलता है भाई
यहाँ पे ये डाल दे बिरयानी मॉस, ठीक। और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेस्ट वन डॉट प्राइस, तो जो भी हमारा प्राइस है वो यहाँ पे डाल दो। और मान लीजिए मैं प्राइस डाल देता हूँ 500। चलिए अब मान लो ये डाल दिया आपने, और अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे पास करना है ना, और आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेस्क डॉट इमेज इज इक्वल टू, अभी रहने दीजिए इमेज जो आ रहा है इमेज को बाद में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिक्वेस्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे तुम क्या डाल रहे थे पहले, यहाँ पे तुम प्राइस डाल रहे थे ना, प्राइस से केवल एक ही वैल्यू जा रही थी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेस्ट वन इज इक्वल टू, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम डाल दो, मैं बोलता हूँ डेस्ट वन इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, डेस्ट वन, ठीक। इसका मतलब तुम यहाँ से अब ये सारी वैल्यूज उठा के वहाँ पे पास कर रहे हो, और इसका नाम तुमने क्या रखा है यहाँ पे, तुमने यहाँ पे रखा है डेस्ट वन। अब मैं आता हूँ अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के ऊपर, ये जो रहा हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पर मुझे वहाँ पर चेंज करना है, तो बाली भाई साहब हमारे कहाँ गए, ये था हमारा यहाँ पे जहाँ पे तुमने प्राइस डाला था। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है ना, ये देखो ये यहाँ पे हमारा सब टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी थी ना, यहाँ पे हमारा ये नाम है, ये देख लो यहाँ पे डेस्टिनेशन टाइटल आ रहा है, नाम आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या पास करोगे, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्राइस, और वहाँ से आप क्या दे रहे हो, डेस्ट दे रहे हो ना, यहाँ पे तुमने क्या लिया था, यहाँ पे लिया था डेस्ट वन, तो यहाँ पे क्या करोगे डेस्ट वन डॉट, और आप यहाँ पे क्या डालना चाहते हो, यहाँ पे हम प्राइस डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, यहाँ पे प्राइस लिया था आपने पी आर आई सी, तो यहाँ पे डाल दो प्राइस, ठीक। तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया डेस्ट वन डॉट प्राइस, ये वैल्यू वहाँ से आएगा। ये जो आपने यहाँ पे लिया था बाली, बाली की जगह यहाँ पे फिर से डाल दो डेस्ट वन डॉट, वहाँ पे आपने क्या लिया था, नेम लिया था ना, यहाँ पे आपने नेम लिया था ना, यहाँ पे नेम लिया था ना, और यहाँ पे भी डाल दो, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है उसके बारे में पता नहीं क्या क्या, तो इसको भी चेंज कर दो। तो यहाँ पे भी हम बोल देते हैं, अब हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, जो हमें चेंज करना है किसको लेके चेंज करना है, नेम को लेके चेंज करना है ना, तो हम यहाँ पे नेम को लेके चेंज करते हैं, सॉरी हमारा डिस्क्रिप्शन था ना, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, डाल दिया। तो हमने यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, नेम भी डाल दिया, हमने यहाँ पे ये प्राइस भी डाल दिया, और मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ कि भाई कहानी हुई क्या, क्या सारी वैल्यूज वहाँ से निकल के आ रही है। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब ये जरा ट्रेवल हो भाई साहब मैं देखूँ, तो ये जो आपका, ओ फाइन, ये आपका जो बाली था ये अब आपने यहाँ पे हैदराबाद कर दिया, ये यहाँ पे आपने बिरयानी हाउस कर दिया, और ये आपने यहाँ पे फ्रॉम डॉलर डॉलर कर दिया। तो ये मेरे कहने का मतलब, आपने यहाँ पे ये जो चेंजेज हैं, ये चेंजेज आपने यहाँ पे कर दिए, जो भी यहाँ पे चेंजेज हैं वो चेंजेज आपने यहाँ पे कर दिए। और ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे इसका जो पिक्चर है, यहाँ पे क्या नाम है पिक्चर का, डेस्टिनेशन वन डॉट जे पी जी करके आ रहा है ना, ये जो हमारा पिक्चर है डेस्टिनेशन वन डॉट जे पी जी करके आ रहा है, तो ये डेस्टिनेशन वन डॉट जे पी, चलो बाद में इसको हम चेंज करेंगे, डेटाबेस से डायरेक्ट चेंज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे यदि मान लो मैं कोई और पिक्चर का नाम लेके दे दूँ, यदि मान लीजिए अभी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ही आ रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि कौन कौन से हमारे इमेजेस हैं। तो मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डेस्टिनेशन वन है, और डेस्टिनेशन वन के जगह मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन इसको टू कर देता हूँ, है ना, तो वो हमारा सेम हो जाएगा। तो ये जो डेस्टिनेशन टू डॉट जे पी जी है, ये तुम डालोगे कहाँ पे, ये जो हमारा डेस्टिनेशन टू डॉट जे पी जी है ये आप डालेंगे कहाँ से, तो यहीं से तो डालेंगे व्यूज से। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं डेस्ट वन डॉट, डेस्ट वन डॉट, और हमारा यहाँ पे क्या था, आई एम जी था, और आई एम जी के अंदर हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे इमेज का नाम है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेस्ट वन डॉट जे पी जी, तो बाई डिफॉल्ट हमारा डेस्ट वन डॉट जे पी जी है, डेस्ट एंड डेस्को वन की जगह डेस्ट फोर कर देते हैं, शायद होगा डेस्ट फोर डॉट जे पी जी कर देते हैं, है ना, डेस्ट फोर डॉट जे पी जी कर देते हैं। तो जहाँ पे ये यहाँ पे इमेज डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे ये सब आ रहा है ना इमेज एस आर सी और ये वो, तो यहाँ पे भी हम उठा के डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, वो जो हमारा जिंजा फॉर्मेट है
वो यहाँ पे जिंजा फॉर्मेट लगा दो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, ये जो हमारा, चलो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको उठा के, अभी दिक्कत आएगी इसलिए मैं इसको कहीं सेव कर लेता हूँ, बाद में मुझे पेस्ट मारना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे उठा के वो डालनी है इमेजेस आर सी। तो इमेजेस आर सी को भी मैं इस तरीके से यहाँ पे डालता हूँ, इमेजेस आर सी इज इक्वल टू, और क्या नाम था उसका, डेस्ट वन, और डेस्ट वन के अंदर हमारा क्या था वहाँ पे, डेस्ट वन के अंदर था हमारे यहाँ पे ये जो हमारा आई एम जी है, डेस्ट वन के अंदर हमारा ये जो आई एम जी है। अब यहाँ पे यदि मैं इसको रन करूँ डेस्ट वन डॉट आई एम जी, मतलब जो हमने वहाँ से दिया है वो वाला उठा के यहाँ पे ले ले, यदि मैं ये चीज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। यदि मैं इसको रन करूँ, कंट्रोल सी कर लो, ये देखो ये इमेज नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट वहाँ से अभी इमेज नहीं उठ रहा है, इसलिए मैंने उस समय उसको छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे समस्या क्या है ना कि यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे इमेजेस आर सी के अंदर ये जो हमारा सोर्स है यहाँ पे थोड़ा सा हमें हाइपरलिंक के तरह ये यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब हमें डी टी एल के अंदर जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर ये जिंजा फॉर्मेट यूज़ करना है, इसीलिए देखो यहाँ पे सब जगह तो ये इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे इमेज एस आर सी में मुझे जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर ये जिंजा फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने बोला कि अभी इसको मत दिखाओ, इसलिए मैं इसको यहाँ से फिर से डाल देता हूँ। इसको फिर हम अलग तरीके से डालेंगे, इसके लिए थोड़ी सी अलग कहानी करनी पड़ेगी। तो ये जो इमेज एस आर सी है मैं फ़िलहाल इसको अभी यही डालने देता हूँ जैसा है, और यहाँ से इमेज जो है ये जो हमने व्यूज में इमेज डाला था इसको हटा दो अभी। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि भाई आप यदि मल्टीपल वैल्यू पास करना चाहते हो तो कैसे पास करोगे। तो मल्टीपल वैल्यू करने के लिए तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई यदि आपको मल्टीपल वैल्यू को डायनामिक करनी है, मल्टीपल वैल्यू पास करना है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे मॉडल डॉट पाई में आएंगे, और मॉडल डॉट पाई के अंदर आके आप यहाँ पे क्लास के अंदर सारे एट्रीब्यूट डिफाइन कर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे व्यूज डॉट पाई में आएंगे और व्यूज डॉट पाई के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको वहाँ पे कॉल करेंगे, व्यू डॉट पाई में आएंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे कॉल करेंगे। और जहाँ पे बाली साली लिखा हुआ था यहाँ पे भी आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपके बाली वगैरह थे यहाँ पे भी आप अपना चेंज कर दो, ये जो भी हमारा प्राइसेस है। तो यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, तो मेरे कहने का मतलब यदि व्यू से आप मल्टीपल वैल्यू पैरामीटर पास करना चाहते हो तो मल्टीपल वैल्यू को पास करने के लिए फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लासेस बनाने पड़ेंगे, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। और इससे पहले हम यहाँ पे क्या पास कर रहे थे, हम सिंगल वैल्यू पास कर रहे थे ना, ये हमारा सिंगल पैरामीटर था, सिंगल पैरामीटर हम इस तरीके से पास करते हैं। और यदि हमें मल्टीपल वैल्यू डायनामिक करके पास करवानी है तो हमने क्लास बनाया, क्लास से हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक। तो ये हमारा वहाँ पे जा रहा है, लेकिन अभी तक जो काम हम कर रहे हैं भाई इसमें अभी हमारा जो है ये कहीं भी जो है, यहाँ तो तुमने हैदराबाद वाले को चेंज कर दिया, लेकिन बाकी भाई लोगों का क्या करोगे। भाई तुमने हैदराबाद वाले को तो चेंज कर दिया, एक को उठा के तुमने चेंज कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करने हैं, मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करनी है। अभी तो आपने एक हैदराबाद वाले को चेंज कर दिया, अभी मान लो मुझे इसको भी चेंज करना हो तो भाई मुझे इसका भी चेंज करना है, इंडोनेशिया का भी, सैन फ्रांसिस्को का भी, ये भी चेंज करना है, तो क्या करोगे। इसका मतलब तुम्हें मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट को लेके पास करना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे पास करोगे भाई, ये तो चलो तुमने ठीक है अपना ये काम कर दिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेस्ट वन बना लिया, तुमने यहाँ पे एक बार डेस्ट वन पास कर दिया, अब मान लो मैं यहाँ पे डेस्ट टू बना लेता हूँ, कम से कम दो तो हम पास करके देख ही लें। अभी मान लो मैं डेस्ट टू बना लेता हूँ, डेस्ट टू में भी नाम डाल देते हैं, यहाँ पर भी नाम डाल देते हैं, यहाँ पर भी हम ये डाल देते हैं, है ना। और डेस्टिनेशन टू, मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिया अलग अलग,
और यहाँ पे हैदराबाद की जगह मैं कर देता हूँ इलाहाबाद। अब इलाहाबाद तो है नहीं, अब हो गया जी प्रयागराज, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रयागराज। और ये प्रयागराज में डिस्क्रिप्शन तो मैं बोल देता हूँ सिटी ऑफ गंगा, ठीक। और मैं यहाँ पे प्रयागराज घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 500 रुपया पॉकेट में ले लीजिए अपना, घूम जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए, मुझे ये भी पास करना है और ये भी पास करना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट को पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ डेस्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ, और लिस्ट के अंदर ये मैं सारे ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट था, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेस्ट वन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेस्ट वन कॉमा, और मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ डेस्ट टू, डाल दिया। और मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, जहाँ पे आपने यहाँ पे पास किया था, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेस्ट वन इज इक्वल टू, ये जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाए थे वही पास कर दो। क्या नाम था इसका, डी एस टी एस, ये हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन पास कर दिया। समझ में आई बात, ये हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन पास कर दिया। चलो कम से कम ऊपर वाले को तो चेंज कर ही लें पूरा, तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेस्ट थ्री, डेस्ट थ्री। अब डेस्ट थ्री में यहाँ पे ले लो डेस्ट थ्री ले लो, और यहाँ पे डेस्ट थ्री ले लो, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ दिल्ली, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ दिल्ली, और मैं सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं बोल देता हूँ कैपिटल ऑफ इंडिया, बोल दिया। और मैं इसका प्राइस डाल देता हूँ, मान लो मैं प्राइस डाल देता हूँ 2000, तो महंगा है, ठीक है। और तो मैं इसको भी वहाँ पर उठा के डाल देता हूँ डेस्ट थ्री। तो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट पास कर दिया बॉस, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला डेस्ट वन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोल दिया डेस्ट, ये हमने यहाँ पे उठा के पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो है ये जो है सभी के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी ना, मुझे ये सभी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब ये वहाँ पे जितने भी हैं सबके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, तो जहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप चलाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप चलाना है, और फॉर लूप चलाने के बाद जो है मुझे यहाँ पे उसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप चलाना है, और फॉर लूप चलाने के बाद मुझे इसे यूज़ करना होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम 10 ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे 20 ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, तब ये थोड़ी कि मैं एक एक करके उठाता रहूँगा भाई, जितनी भी वैल्यू होगी सबको हम डायनामिक बनाना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर लूप कैसे लगाओगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अब अगेन फिर हम यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर जो फॉर लूप है उसको यूज़ कर रहे हैं गुरु, तो हम यहाँ पे फॉर लूप कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ बोलते हैं परसेंटाइल, हम यहाँ बोलते हैं परसेंटाइल, और इस परसेंटाइल में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉर, मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, कुछ भी नाम ले लो, मैं बोलता हूँ डेस्ट इन, यहाँ से जो तुम पास कर रहे हो क्या पास कर रहे हो, यहाँ से आप डेस्ट वन पास कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर डेस्ट इन डेस्ट वन, ठीक। और यहाँ पे लगा दो परसेंटाइल, हो गया, मैंने बोला फॉर डेस्ट इन डेस्ट वन, और मैंने यहाँ पे डाल दिया परसेंटाइल। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो पूरा डेस्टिनेशन है, ये पूरा डेस्टिनेशन को उठा लिया मैंने यहाँ पे, और ये यहाँ तक आ रहा है ना ये डेस्टिनेशन, यहाँ पे आके ये जो फॉर लूप है इसको बंद कर दो, ये जो फॉर लूप तुमने लिया यहाँ पे, इस फॉर लूप को यहाँ पे बंद कर दो। तो यहाँ पे बंद कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलते हैं परसेंटाइल, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंड फॉर, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंड फॉर, और ये जो परसेंटाइल है इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो है इसको चेंज करना है ना मुझे, अब मुझे यहाँ पे सभी जगह चेंज करने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ हमें चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर दो, जहाँ जहाँ तुमने लिया था। अब जैसे तुमने लिया था डेस्ट, तो अब यहाँ पे क्या ले लोगे, डेस्ट डॉट नेम ले लिया, यहाँ पे क्या ले लोगे, डेस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या ले लोगे, डेस्ट डॉट प्राइस, यही तो आपने डाला था, आपने नेम चेंज करा था, आपने प्राइस दिया था, आपने डिस्क्रिप्शन दिया था ना, ये आप यहाँ पे डाल दो। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब यदि मैं इसको रन करूँ, अभी ज़रा गौर करना कि वहाँ पे इमेज नहीं आ रहा होगा, अभी सब पे मेरे पास केवल एक ही इमेज, यही इमेज आ रहा होगा, डेस्टिनेशन वन डॉट जे पी जी, चूँकि हम इमेज में अभी हमने काम नहीं किया है। तो अभी यदि मैं इसको रन कर दूँ, बंद कर दो इसको, अभी यदि इस भाई साहब को मैं रन कर दूँ,
ये देखिए बहुत बढ़िया, ये तो चेंज हो गया सब। ये देखो हैदराबाद आ गया, बिरयानी हाउस आ गया, ये आ गया प्रयागराज आ गया, सिटी ऑफ गंगा ये आ गया, और दिल्ली आ गया कैपिटल ऑफ इंडिया ये आ गया। लेकिन जरा गौर से देखो ये इमेजेज अभी चेंज नहीं हुए हैं। तो भाई मुझे अब इमेज भी चेंज करना है, मतलब इमेज के बिना चेंज किए हुए तो काम होगा नहीं हमारा। तो इमेजेस चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबका इमेज अलग अलग चाहिए ना मुझे। अभी मैंने ऊपर में तीन ही ऑब्जेक्ट दिए थे तो ये तीन के लिए अपना काम कर रहा है, ये लूप तीन बार चला, तीन बार इसने जगह बनाया अपना डाल दिया ये। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे ये इमेजेस भी चेंज करना है। तो इमेज चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मैंने बताया था कि आपको मुझे टैम्पलेट्स के अंदर जिंजा फॉर्मेट यूज़ करना है, दिक्कत वहाँ ये थी। तो अब मुझे यहाँ पे इमेज चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे व्यूज़ के अंदर भाई सबका इमेज तो भाई डाल ही दो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन वन DSC1 ओ dest1.img इक्वल टू, और इमेज में मैं बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे क्या आ रहा है डेस्टिनेशन वन आ रहा है ना, तो मैं सबका उठा के चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी डेस्टिनेशन, मैं इसको फोर कर देता हूँ है ना, मैं इसको फोर कर देता हूँ, और यहाँ पे टू वाले में भी डाल देता हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे टू वाले में डेस्टिनेशन थ्री कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे भी उठा के डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन थ्री वाले में मैं इसको यहाँ पे फाइव कर देता हूँ। तो मतलब मान लो मैंने यहाँ पे तीनों ये इमेज यहाँ पे चेंज कर दिया, फोर कर दिया, थ्री कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, फाइव कर दिया, जो भी इमेजेस हैं वो इमेजेस मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेज भी लाना है। तो इमेज को लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमेज हमें जब भी लाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हारा ये इमेज SRC आ रहा है ना, इमेज SRC पे अब ये जो राम कहानी है इस राम कहानी को हटाओ, इमेज SRC पे थोड़ा सा हमें अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये जो आ रहे हैं भाई साहब इनको हटा दो। अब हम इमेज SRC में क्या बोलते हैं, यहाँ पे सीधे हम जिंजा फॉर्मेट लेते हैं, और इस जिंजा फॉर्मेट में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेस URL कि जो भी उठाना है कहाँ से उठाना है, तो स्टैटिक फोल्डर से उठाना है, इस बेस URL को हम ऊपर में डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा जी बेस URL है, और ये बेस URL के अंदर, अब बेस URL हमें ऊपर में डिफाइन करना होगा, बेस URL के अंदर हमें यहाँ पे क्या लेना है, तो अगेन हम देते हैं जिंजा फॉर्मेट, यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे लेते हैं जिंजा फॉर्मेट। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, हम यहाँ पे बोलते हैं डेस्क डॉट, और हमारा यहाँ पे क्या था, इमेज था ना, हमारा यहाँ पे क्या था, इमेज था, img था, क्या था, dest.img। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं dest.img बोल दिया, यानी कि, और ये जो बेस URL है इस बेस URL को सबसे ऊपर में टॉप में तुम डिफाइन करोगे। तो हम यहाँ पे टॉप में क्या डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं परसेंटाइल, हम यहाँ बोलते हैं स्टैटिक, और जो हमारा फोल्डर का नाम था वो क्या था, इमेजेस था ना, तो हम यहाँ पे बोलते हैं इमेजेस एस। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बेस URL, और मैं यहाँ पे परसेंटाइल में इसको बंद कर देता हूँ, ठीक। तो हमने यहाँ पे एज ए बेस URL इसको डिफाइन कर दिया, किसको, एज ए बेस URL हमने डिफाइन कर दिया अपने इमेजेस फोल्डर को। अब यदि मैं इसको रन करूँ ये देखो चेंज हो गया, ये अलग हो गया, ये जो भी अलग अलग इमेज था वो सारी इमेज हमारी चेंज हो गई, ये सारे इमेजेस हमारे यहाँ पे चेंज हो गए। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाला जो पूरा कंटेंट था, इस पूरे कंटेंट को हमने डायनामिक बना दिया, इमेज भी हमारा चेंज हो रहा है, वो व्यू से आ रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, ये लोकेशन भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे उठा के चेंज कर दिया। तो मैं जरा इसको एक बार लिख दूँ ये सारे प्रोसेस को कि हमने यहाँ पे क्या क्या करा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि यदि मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करना है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोला कि भाई सिंगल ऑब्जेक्ट तो आप ऐसे पास करोगे, यदि मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करना है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे लिस्ट लेना पड़ेगा, लिस्ट को लेके काम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे व्यूज़ में आ जाओ, व्यूज़ में क्या करते हो आप, यहाँ पे ये राजी हमारा व्यूज़ में, और व्यूज़ में हमने ये डाल दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ये सारे ऑब्जेक्ट को उठा के लिस्ट में डालना पड़ेगा, और यहाँ पर लिस्ट पास करेंगे। और इसके बाद जो हमारा index.html है, index.html में आपने क्या चेंज करा, यहाँ पे index.html में आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमें ऊपर में डालनी पड़ेगी,
इमेज लाने के लिए ध्यान रखिएगा। फॉर ये हमें ऊपर में डालना पड़ेगा, ये सबसे पहले टॉप में लिखना है ऊपर में फॉर इमेज, क्योंकि इमेज के अंदर वहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर वहाँ फाइल है, तो ये चीज़ सबसे ऊपर पहले हमें इमेज के लिए डालना पड़ेगा। और जहाँ पे वो जो हमारा बाली वाले भाई साहब थे, जहाँ पे वो हमारा डेस्टिनेशन था, ये देखो ये जो हमारा डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन के अंदर हमने ये फॉर लूप लगा दिया, जहाँ से डेस्टिनेशन शुरू हो रहा है ना वहीं से, चूंकि मल्टीपल वैल्यूज दिखानी थी तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज कर लिया। जो फर्स्ट वाला डेस्टिनेशन था यहाँ पे ये देखो डाल दिया, जहाँ पे ये फर्स्ट वाला डेस्टिनेशन स्टार्ट हुआ था वहीं पर हमने यहाँ पर फॉर लूप लगा दिया। और इस तरीके से हमने यहाँ पर इमेज भी चेंज कर दिया, और ये जो बाकी डिस्क्रिप्शन थे वो सारे डिस्क्रिप्शन भी हमने उठा के चेंज कर दिए। ये देखो ये सारे डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिए, और ये जो हमारा फॉर लूप था इस फॉर लूप का एंड फॉर हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये जो हमारा फॉर लूप था, तो ये ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला डेस्टिनेशन था उसी में हमने केवल फॉर लूप लगाया है, वहाँ से ऑब्जेक्ट पास करा, और ऑब्जेक्ट पास करने के बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं डेस्क डॉट इमेज, एक एक करके उठाएगा और उसको वो शो कर देगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले डेस्टिनेशन पे ही हमने यहाँ पे केवल काम करा, नीचे वाले को अभी यदि हम हटा भी देंगे तो अब हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर डेटाबेस मतलब वहाँ से हम लूप के थ्रू सारा काम कर रहे हैं। तो अभी यदि हम इसको हटा भी दें तो अब मुझे ये डेस्टिनेशन के लिए ये जो बाकी चीज़ें हैं इसकी जरूरत नहीं है, अभी आ रही हैं, रन है। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या करा है, अब आप जरा गौर से देखो कि भाई अब मुझे क्या करना है यार, ये सभी जगह पे ना ये ऑफर आ रहा है लिखा हुआ। अब जरा आप गौर से देखो, ये ऑफर सभी जगह आ रहा है, ये स्पेशल ऑफर सभी जगह आ रहा है। मैं स्पेशल ऑफर सभी जगह नहीं डालना चाहता हूँ, मैं ये स्पेशल ऑफर सिर्फ प्रयागराज में या दिल्ली में डालना चाहता हूँ, कहीं और एक जगह डालना चाहता हूँ। अब ऐसा क्यों आ रहा है स्पेशल ऑफर, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, ये जो हमारा सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में ये चीज़ मेंशन है। देखो ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में ये चीज़ मेंशन किया गया है। ये देखो, ये देखो, ये स्पेशल ऑफर देख रहे हो। अब मैं स्पेशल ऑफर सबके लिए नहीं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ ये स्पेशल ऑफर जो है केवल किसी खास के लिए हो, केवल दिल्ली के लिए हो, या कहीं केवल प्रयागराज के लिए हो, या केवल हैदराबाद के लिए हो। तो बेसिकली मुझे अब यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे आपने देखा कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं हम डी टी एल के अंदर में, अब मुझे यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना है ना। तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल डॉट पाई के अंदर हम आते हैं और मॉडल डॉट पाई के अंदर हम एक फील्ड डिफाइन कर देते हैं ऑफर, और ऑफर को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं बुल। यहाँ पर हमने ऑफर डाल दिया और इसको हमने बुल कर दिया, पहला काम। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब मुझे किसका ऑफर दिखाना है किसका नहीं दिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ प्रयागराज से दिखाता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेस्ट वन, मैं बोलता हूँ डेस्ट वन डॉट ऑफर, और ऑफर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, मुझे नहीं दिखाना है ना, और जिसका मुझे दिखाना है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। मैं यहाँ पे डेस्ट टू में ले लेता हूँ और डेस्ट टू में मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, इसको डेस्ट टू कर दें, डेस्क टू कर दूँ, और यहाँ पे मैं डेस्क थ्री में आता हूँ और डेस्क थ्री में भी मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, और मैं यहाँ पे डेस्क थ्री में आता हूँ, डेस्क थ्री को भी मैंने ट्रू कर दिया, कर दिया। अब भाई तुमने यहाँ तो अपना काम कर दिया बेटा, तुम ऑफर पास कर रहे हो, अभी ऑफर को तुम्हें यहाँ पे चेक भी तो करना पड़ेगा कि भाई यदि वो ट्रू है तभी तो दिखाओ। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगेन हम यहाँ बोलते हैं जिंजा फॉर्मेट परसेंटाइल इफ। अब हम यहाँ पे इफ में क्या बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं इफ डेस्क डॉट, ये जो हमारा ऑफर है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ इफ डेस्क डॉट, हम यहाँ बोलते हैं ऑफर परसेंटाइल, मतलब यदि ये ट्रू हो तभी वो दिखाओ, बाकी वो दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या कर देते हैं परसेंटाइल, हम यहाँ पे कर देते हैं। हाँ जी बॉस, लोग समझ में आ रहा है कुछ, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा चीज कर रहा हूँ, यदि आप केवल नोट्स और वीडियो को देखेंगे आपका सारा काम हो जाएगा। मैं एक ही बार में सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले एक वैल्यू पास किया, फिर मल्टीपल वैल्यूज पास किया, फिर मैं डेटाबेस से वैल्यू पास करूँगा, सारा काम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे इंडिफ लगा दिया, अब यदि मैं इसको रन कर दूँ, इसको मैं यदि रन कर दूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया डिटेल के अंदर इफ कैसे लगाते हैं। ये देखो अब ये जो हमारा ऑफर आएगा वो केवल एक वाले में आएगा जिसमें ट्रू था, बाकी में नहीं आएगा। देखो अच्छा इन दोनों में ट्रू हो गया था शायद, तो आप यहाँ पर देखो जो हमने
अच्छा इसमें भाई साहब मैं दोनों ट्रू था, तो जो इसमें ट्रू था वो आ रहा है, इसमें चूंकि आपने फॉल्स कर दिया था तो हैदराबाद पे अभी कोई ऑफर नहीं आ रहा है, यहाँ पे हैदराबाद पे अभी कोई ऑफर नहीं आ रहा है और ये हमारा ऑफर यहाँ पर आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यदि आप किसी वैल्यू को दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स करके डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। याद रखिएगा ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा और नन का एन कैपिटल होगा। जेंगो पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उसमें ट्रू फॉल्स नन ये जो तीन चीज़ है ना इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी का स्मॉल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये हमने यहाँ पे काम कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये तो आपने शो कर दिया। अब मेरा ये है कि हाउ टू यूज़ इफ स्टेटमेंट, आप कैसे यूज़ करोगे। फॉर लूप तो आपने देख लिया, अब मेरा सवाल ये है कि जो हमारा ऑफर है ऑफर हमें कुछ में विजिबल करना है, विजिबल रखनी है, विजिबल विजिबल ट्रू एंड फॉल्स करना है मुझे, इसको मुझे ट्रू या फॉल्स करना है। तो आप इस काम को यहाँ पे कैसे करोगे, तो मैंने बोला कि भाई मॉडल डॉट पाई में तुम पहले एक ऑफर ऐड कर दो, मॉडल डॉट पाई में एक ऑफर ऐड कर दो। मैंने बोला कि जो हमारा मॉडल डॉट पाई था, मॉडल डॉट पाई था, मॉडल डॉट पाई के अंदर में आप यहाँ पे ये डाल दो, ऑफर डाल दो, डाल दिया ना। और व्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे इसको ट्रू एंड फॉल्स कर दो, व्यूज़ के अंदर, व्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे इसको ट्रू एंड फॉल्स कर दो। ये देखो जो हमने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स किया। इसके बाद मैंने क्या बताया कि आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जहाँ ये ऑफर का माल मटेरियल लिखा हुआ था वहाँ पे आप इफ लगा दो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो जिसका ट्रू होगा उसको दिखाएगा और जिसका फॉल्स होगा उसको अपना वो नहीं दिखाएगा। समझ में आई बात, तो जिसका ट्रू होगा उसको दिखाएगा और जिसका ट्रू नहीं होगा उसको वो नहीं दिखाएगा। तो ये है हमारे कहने का मतलब कि ये हाउ टू यूज़ द इफ स्टेटमेंट, आप यहाँ पे किस तरीके से यूज करोगे। तो ये था हमारा स्टेप नंबर वन। अभी हमने यहाँ पे डेटाबेस यूज नहीं करा है, अभी हमने यहाँ पे डेटाबेस को यूज नहीं करा है, अभी सारा वैल्यूज हम यहाँ पे कहाँ से पास कर रहे हैं, व्यूज के थ्रू पास कर रहे हैं और उसी को यूज़ करके हमने चीज़ों को बनाने की कोशिश करी है, मल्टीपल वैल्यूज पास कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। अब मुझे जो यहाँ पे काम करना है वो काम करना है वो आरएम को लेके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो भी काम करना है वो डेटाबेस के थ्रू करना है, यानी कि डेटाबेस से डेटा डालना है और उसको लेके फिर हमें यहाँ पे काम करना है। समझ में आई बात, अब हमें यहाँ पे जो भी काम करना है सारा काम हमें यहाँ पे डेटाबेस को लेके करना है। अब डेटाबेस को लेके काम कैसे करेंगे ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई डेटाबेस को लेके मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा जेंगो होता है वो हमारा ओआरएम होता है ना, जो हमारा जेंगो होता है वो पूरा का पूरा हमारा ओआरएम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ओआरएम को लेके काम करेंगे और उसी को लेके हमें यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे काम कर लिया कि भाई आप कैसे ऐड करोगे, कहाँ से टैंपलेट डाउनलोड करना है। टैंपलेट को आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। अब जैसे मान लो मैं एक इमेज को चेंज कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आप दूसरे इमेज का भी डेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो इसी तरीके से, है ना। ये तो मैंने आपको एक टेम्पलेट बताया कि भाई ये टेम्पलेट मैंने ऐसे उठाया, भाई मुझे ट्रेवल डोमेन का वेबसाइट बनाना था। ट्रेवल डोमेन क्या होगा भाई, डेस्टिनेशन होगा, उस पर ऑफर होंगे, उसके डिटेल्स होंगे, तो वहाँ पर इमेजेज आ रहा होगा। तो मुझे, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, आप किसी भी टेम्पलेट को डाउनलोड करके इसी स्टाइल में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, पहला काम तो ये है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी काम करना है वो डेटाबेस के थ्रू करना है, मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है यहाँ पे डेटाबेस के थ्रू काम करना है। तो डेटाबेस के थ्रू हम यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे या कौन सा डेटाबेस हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई डेटाबेस में देखो, एक तो यहाँ पे जो होता है डेटाबेस वो बाय डिफॉल्ट होता है SQLite, यहाँ पे SQLite यूज होता है। तो हम लोग लेकिन SQLite को प्रेफर नहीं करेंगे और हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो SQLite के जगह आप यहाँ पे कुछ और यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि SQLite बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। हालांकि हम ये कर सकते हैं कि शुरू में चलो SQLite ही रहने दो और बाद में फिर हम अपना, जब कभी भी हमें यहाँ पे चेंज करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे, या फिर शुरू से ही हम करके चलें। तो मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि डेटाबेस के लिए यदि मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, ये हमारा इंडेक्स डॉट फाइल, यदि मैं यहाँ पे देखूँ डेटाबेस के लिए तो आप सेटिंग्स डॉट पाई में आ जाएँ, यहाँ पर आप यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई में आ जाए। कहाँ गया, ये रहा हमारा सेटिंग्स डॉट पाई, है ना। सेटिंग्स डॉट पाई में देखो ये डेटाबेस की पूरी राम कहानी,
कभी भी हमें डेटाबेस में कुछ भी चेंज करना हो तो मोरलेस हमें यहीं पे चेंज करना होता है। डेटाबेस में हमें कुछ भी चेंज करना हो तो मोरलेस हमें यहीं पे चेंज करना होता है और यहीं पे हम चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सिक्वलाइट लेता है। ये सिक्वलाइट लेने का रीजन ये होता है कि भाई ये इन भाई लोगों का अपना है, जेंगो वालों का, मतलब इनके इनके साथ बाय डिफॉल्ट आता है। जब भी तुम पाइथन डालते हो अपने सिस्टम में तो वहाँ पर हमारा जो सिक्वलाइट होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है ना। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे डेटाबेस लेना है। तो बाद में हम लोग भी डेटाबेस चेंज करेंगे फिलहाल। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अभी क्या है कि जो भी तुम काम कर रहे हो व्यूज से चेंज कर रहे हो, अभी फिलहाल हम सिक्वलाइट ही ले रहे हैं, बाद में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे एक बार काम करने के बाद। तो ये हमारा जो व्यूज़ डॉट पाई है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ORM को यूज़ करना है, मतलब मुझे डेटाबेस से डेटा उठाना है, डेटाबेस को ऐड ऑन करना है और डेटाबेस से यहाँ पे डेटा को लेके काम करना है। तो डेटाबेस से यहाँ पे डेटा को उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने मॉडल भाई साहब के पास आते हैं। ये जो हमारा मॉडल भाई साहब है, ये मॉडल भाई साहब में अभी देखो, अभी तो चूंकि हमें वहाँ पे केवल एट्रीब्यूट ले जाना था और आपको दिखाने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इस तरह से देसी स्टाइल में क्लास बना के उसे वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल उल करवा के आपको दिखा दिया, बिल्कुल देसी स्टाइल में। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे ना क्लास को लेके काम करना है, तो अब इस तरीके से देसी स्टाइल में तो हमें यहाँ पे काम करना नहीं है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा क्लास है इस क्लास को मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारा क्लास है डेस्टिनेशन, तो चलो अच्छी बात है डेस्टिनेशन है। अब मैं इसको मॉडल क्लास बनाता हूँ। कोई भी क्लास जो है मॉडल क्लास कब बनेगा, मॉडल क्लास का मतलब जो मॉडल को इनहेरिट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं मॉडल डॉट, मुझे यहाँ पे इनहेरिट करना है, किसको इनहेरिट करना, मॉडल। अब ये बन गया जी हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। अब हमारा ये बन गया मॉडल क्लास। हम यहाँ पे आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ये सब डालना है, नेम, इमेज और ये सब डालना है यहाँ पे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे डालना है नेम। तो भाई आप नेम कैसे डालोगे, तो नेम डालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं नेम इज इक्वल टू। नेम में तुमको क्या चाहिए,